एक बड़ी खबर का रुख करते हैं पेंड्रा से, अरे जहां पे एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। अब खिलाड़ियों को 20 दिन पहले होगा रिजर्वेशन और डीपीआई सुनील जैन ने जारी की है राशि। ट्रेन के फर्श पर बैठकर आई थी खिलाड़ी और एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी, जिसके बाद से यहां पे देखिए इस खबर का असर हुआ है। पेंड्रा में एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। अखिलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अखिलेश, खबर का बड़ा असर हुआ है और कहीं ना कहीं अब खिलाड़ियों को राहत मिलेगी। जी दीपिका जी, निश्चित ही संवेदनशील मामला था। जब खिलाड़ी ट्रेन की फर्श में सफर करते हैं और वो ट्रेन की फर्श में बस सफर नहीं करते, बल्कि वे वॉशरूम और वॉश बेसिन, गंदे वॉशरूम बेसिन के नीचे बैठकर, ये राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी छत्तीसगढ़ की सफर करते हैं, दिल्ली से छत्तीसगढ़ का सफर करती हैं, इन्हें आरक्षण बर्थ नहीं मिल पाया था, जिसके कारण 51 छत्तीसगढ़ के 51 खिलाड़ी प्रतिभावान खिलाड़ी थे, इनको छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक का सफर करना पड़ा था। और ये सभी बच्चे बड़ी दुर्दशा से यात्रा किए थे दिल्ली से छत्तीसगढ़ का सफर, जिसको हमने प्रमुखता से दिखाया था और लोक शिक्षण संस्थान ने इस पे संज्ञान लिया है और इस पे एक आदेश जारी किया गया है कि खेल कैलेंडर जारी होने के 20 दिन पहले इन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का सीट बुक किया जाएगा और कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी इस पर सीधे रेलवे विभाग से बात करेंगे ताकि इन्हें सुरक्षित और आरक्षित सीट मिल सके। जी अखिलेश, ये नियम कब से लागू होगा और अब खिलाड़ियों का क्या कहना है? देखिए खिलाड़ी निश्चित, ये हमारी खबर के बाद निश्चित ही खिलाड़ियों को एक मरहम लगा है कि अब हमारे साथ ये दुर्दशा जैसी घटना होगी, लेकिन आदेश अब आज से ही जारी हो गया है। ये कहना चाहिए 67वीं राष्ट्रीय क्रीड़ा जो भी होगी, राज्य स्तर से ऊपर जितने भी खेल प्रतियोगिताएं होंगे, उसमें लोक शिक्षण संस्थान ने संयुक्त संचालक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि इनको 20 दिन पहले जब तक टिकट आरक्षित ना हो जाए, खेल की तिथि घोषित किया जाए, इस तरीके की बात की गई है। जी ठीक है अखिलेश, नापदेव विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए खबर का एक बड़ा असर हुआ है, जिसके बाद से खिलाड़ियों ने एक राहत की सांस ली है।